नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर है शाइस्ता परवीन को लेकर, जिसकी तलाश में यूपी पुलिस एसआईटी लगातार लगी हुई है। लेकिन इस बीच बड़ी चुनौती थी कि शाइस्ता परवीन की कोई भी ऐसी तस्वीर सामने नहीं थी जिसमें वो बुरके में ना हो। लेकिन बड़ी खबर ये आ रही है कि शाइस्ता परवीन का एक नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में वो बिना बुरके के नजर आ रही है। इसके अलावा सामने आई है एक तस्वीर भी जो कि आप देख सकते हैं। शाइस्ता परवीन लगातार यूपी पुलिस के लिए एक अबूझ पहेली बनी हुई है, क्योंकि अब तक यूपी पुलिस जहां भी पहुंचती है पूरे लाओ लश्कर के साथ, पुलिस के पहुंचने से पहले ही शाइस्ता परवीन वहां से फरार हो जाती है। तो लगातार तमाम कोशिशें जो है अब तक नाकाम साबित होती आई हैं। लेकिन पुलिस और शाइस्ता के बीच जारी इस चूहे बिल्ली के खेल में अब एक नए वीडियो की एंट्री हो गई है। शाइस्ता इस वीडियो में बिना बुरके के नजर आ रही है और बताया जा रहा है कि जो वीडियो है वो उमेश पाल का जो हत्याकांड हुआ था उससे पहले का है। वीडियो में हालांकि सामने एक बच्ची नजर आ रही, लेकिन शाइस्ता परवीन वीडियो में पीछे बैठी दिख रही है। और साथ ही आप तस्वीर भी देख रहे हैं, इस तस्वीर में भी शाइस्ता परवीन जो है वो बिना बुरके के नजर आ रही है। और ये जो तस्वीर है वो किसी शादी समारोह की बताई जा रही है, क्योंकि दूल्हा और दुल्हन के बगल में शाइस्ता परवीन बैठी हुई है। शाइस्ता परवीन को पकड़ने के लिए लगातार पुलिस जो है वो कई ठिकानों पर दबिश दे चुकी है। लेकिन जो तस्वीर और जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसके मुताबिक जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसमें बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर शाइस्ता परवीन अपने किसी करीबी रिश्तेदार की शादी में शामिल हुई थी। आपको याद दिला दें कि अतीक अहमद की जो बेगम शाइस्ता परवीन, उस पर उमेश पाल के हत्याकांड में साजिश रचने का आरोप है। 13 अप्रैल को यूपी एसटीएफ ने असद और शूटर गुलाम को झांसी में मार गिराया था। अगले दो दिनों के बाद यानी कि 15 अप्रैल शनिवार रात को कॉल्विन हॉस्पिटल के बाहर तीन शूटरों ने अतीक अहमद और शाइस्ता परवीन के देवर अशरफ को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। लेकिन अब पुलिस जो है वो शाइस्ता परवीन की तलाश में लगातार जुटी हुई है। जानकारी शाइस्ता परवीन के पास से बहुत सारी निकल सकती है। इसी कड़ी में पुलिस जो है लगातार कोशिशें कर रही है। माना ही जा रहा है कि अतीक की मौत के बाद में शाइस्ता परवीन ही वो महिला है जिसके पास संभवतः बहुत सारी ऐसी खुफिया जानकारी होंगी, जैसे कि अतीक के जो अपने धंधे हुआ करते थे वो कैसे चलते थे और कौन कौन से वो लोग हैं जो अतीक के संपर्क में रहते थे। क्योंकि अतीक के मामले में लगातार आईएसआई पाकिस्तान का भी जिक्र होता रहा। जिक्र इस बात को लेकर भी हुआ कि किस तरीके से ड्रोन के जरिए पंजाब में हथियार गिराए जाते थे। इससे लेकर भी माना जा रहा है कि शाइस्ता के पास से कई अहम जानकारियां निकलकर सामने आ सकती हैं। लेकिन इस बीच खबर ये भी आई कि शाइस्ता जो है वो कोर्ट में सरेंडर कर सकती है। इस तरह की तमाम अटकलें भी लगाई गई। हालांकि शाइस्ता जब सरेंडर करेगी तभी पता चलेगा। लेकिन इस बीच इस वीडियो से पुलिस को मदद जरूर मिलेगी, क्योंकि लगातार ये बात भी सामने आ रही थी कि पुलिस के पास में शाइस्ता की बिना बुरके की कोई तस्वीर नहीं है। खबर ये भी आई थी कि शाइस्ता अपने तमाम साथियों के साथ, महिला साथियों के साथ, एक साथ 7 से 8 महिलाओं के साथ बुरके में मूव कर रही है, जिस वजह से भी पुलिस के लिए उसे ढूंढना या उसे पहचानना मुश्किल हो रहा था। लेकिन अब इस वीडियो और इस तस्वीर के सामने आने के बाद संभवतः पुलिस को और एसआईटी को शाइस्ता को पकड़ने में थोड़ी मदद जरूर मिल सकती है। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।